हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम आर्य। मेरा आज का टॉपिक है एफिड्स। एफिड्स इसको माहू के नाम से जानते हैं। तो ये जो एफिड्स हैं, ये बहुत ही डेंजरस पेस्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही डेंजरस पेस्ट है। विभिन्न क्रॉप को यह डैमेज करता है, जैसे कॉटन को, पोटैटो, मस्टर्ड, बनाना, एफिड लगता है। तो इस प्रकार से ढेर सारी क्रॉप को ये डैमेज करते हैं, फ्रूट्स को डैमेज करते हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा हम एफिड पे चर्चा कर लेते हैं। एफिड्स किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है? एफिड्स हेमिपटेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। हेमिपटेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। हेमिपटेरा ऑर्डर के अंतर्गत ये सब ऑर्डर होमोपटेरा में आता है। होमोपटेरा मीन्स हेमिपटेरा के सब ऑर्डर होमोपटेरा में कौन आता है? एफिड आता है। तो इसकी फैमिली देखते हैं। नेक्स्ट, इसकी फैमिली एफिडिडी हो जाती है। और भी फैमिली है इसकी तो, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लगने वाले हैं, पेस्ट जो ज्यादा डैमेज करते हैं, वो एफिडिडी ले लेते हैं, एफिडिडी फैमिली में। अब इसका माउथ पार्ट कैसा होता है? इसका माउथ पार्ट पियर्सिंग और सकिंग टाइप का होता है। इसका माउथ पार्ट इस माहो का क्या होता है? पियर्सिंग और सकिंग टाइप का होता है। और बॉडी कैसा होता है? बॉडी पियर से, पियर मीन्स जो नाशपाती होता है उसी के शेप के आकार का होता है। साथ ही साथ ये सॉफ्ट बॉडी वाला होता है, मतलब सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट। ये बहुत ही मुलायम शरीर का होता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और इसका करैक्टर यह है, एक और ढेर सारे करैक्टर हैं इसमें देखते हैं, कि कॉर्निकल्स पाया जाता है। कॉर्निकल्स क्या होता है? कॉर्निकल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन फिफ्थ या सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स। यह एब्डोमेन के फिफ्थ या सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहिए, पेयर्ड मतलब जोड़े हुए होते हैं, पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन फिफ्थ या सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड कॉर्निकल्स। इसको बोलते हैं कॉर्निकल्स। ये क्या करता है? कॉर्निकल्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्निकल्स सीक्रेट्स सबस्टेंस विच आर यूज्ड एज ए डिफेंसिव मटेरियल। कॉर्निकल से सीक्रेट किया जाता है क्या? एक सबस्टेंस सीक्रेट किया जाता है, एक पदार्थ जो कि गम्स लाइक होता है। तो गम लाइक सबस्टेंस सीक्रेट किया जाता है किससे? कॉर्निकल से। तो कॉर्निकल से सीक्रेट होता है क्या? गम लाइक सबस्टेंस विच आर यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है एज ए डिफेंसिव मटेरियल के रूप में फॉर नेचुरल इनमीज। नेचुरल इनमीज से बचने के लिए ये डिफेंसिव मटेरियल सिक्रेट करता है, एक सबस्टेंस सिक्रेट करता है जो कि डिफेंसिव मटेरियल के रूप में यूज किया करते हैं एफिड।
अपने आप को बचाने के लिए ऐसा सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट एफिड के द्वारा हनीड्यू सेक्रेशन होता है। हनीड्यू सेक्रेशन ये पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये पॉइंट हनीड्यू सेक्रेशन किसके द्वारा होता है, बाई एफिड्स के द्वारा होता है। और जो हनीड्यू है, हनीड्यू इज लाइक एज वाटर सॉल्युबल, विच आर वाटर सॉल्युबल, जल में घुलने जैसा होता है, जल में घुल सकता है। तो ये हनीड्यू सेक्रेशन किसके द्वारा होता है, बाई एफिड्स के जरिए होता है। ये भी पूछा जाता है कंपटीशन में कि हनीड्यू सेक्रेशन किसके जरिए होता है, तो एफिड्स के जरिए होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, यह क्रॉप्स को डैमेज करता है, अटैक करता है। तो यह पौधों के प्लांट सैप को, जूस को सक करके, चूस करके उसको नुकसान करते हैं, मतलब पौधे को कमजोर बना देते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी पौधों से मिलने वाली कम हो जाती है। इसके साथ ही अटैक्स ऑन, जैसे पोटैटो पे लगता है, पोटैटो एफिड, मस्टर्ड एफिड, कॉटन एफिड, इसके साथ ही बनाना एफिड, बनाना एफिड्स, इसके साथ नेक्स्ट हमारा सिट्रस एफिड। ये कुछ एग्जांपल हैं, हम देख लेते हैं पोटैटो एफिड, इसका साइंटिफिक नेम होता है माइजस पर्सिके, मस्टर्ड एफिड इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है लिपाफिस इरिसिमी, लिपाफिस इरिसिमी हो जाता है। कॉटन एफिड इसका साइंटिफिक नेम है एफिस गोसिपाई। बनाना एफिड पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, सिट्रस एफिड इसका साइंटिफिक नेम है ट्रोक्सोपेरा सिट्री सीडा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कुछ एफिड्स, उनके साइंटिफिक नेम। तो एफिड के कुछ करेक्टर हैं, और जो कॉर्निकल सेल वो सभी एफिड में पाए जाते हैं। एक दो एफिड है जिसमें नहीं पाए जाते हैं, एक जैसे उल्ली एप्पल एफिड जिसमें कॉर्निकल्स रिड्यूस होता है, और बाकी जो करेक्टर है लगभग वह सभी एफिड्स में सेम होता है। सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, पियर शेप होते हैं, पियर्सिंग सकिंग टाइप माउथ पार्ट होती है, कॉर्निकल्स पाए जाते हैं, और यह डिफरेंट क्रॉप को डैमेज करते हैं, और ये हेमिप्टेरा आर्डर के सब आर्डर होमोप्टेरा के अंतर्गत आता है। तो ये एफिड के बारे में कुछ चर्चा हो गई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।